भैया सऊदी अरब में बताओ थे कैसन बकरी चरावल जाता है। तो मजरा में हूँ, सऊदी अरब मजरा में, और ये देख सकते हैं बैर का। सऊदी अरब में बकरी चराते हैं, आज सारी पोल खोल दूंगा। तो आज मैं इन दोनों की सारी पोल खोलने वाला हूँ, क्या सच में बकरी चराते हैं ये दोनों, मतलब एक तो असना ब्लॉग और दूसरा मोटे कुमार ब्लॉग। इन दोनों का वीडियो आपने आज नहीं तो कल अपने YouTube में देखा होगा। तो क्या इंडियन सऊदी में बकरी चराते हैं? तो आज मैं आपको सारी पोल खोल के बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो में बने रहना, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो एक है असना ब्लॉग और दूसरा है मोटे कुमार ब्लॉग। आप लोग आज नहीं तो कल इन दोनों का वीडियो देखते होंगे, मोटे कुमार का वीडियो, मोटे कुमार ब्लॉग। तो आज मैं आपको इन दोनों की सच्चाई बताने वाला हूं। पहले आप इन दोनों की क्लिप देखिए, उसके बाद मैं इनका रियल नेम और सब कुछ बताता। हेलो फ्रेंड, ये देखिए मैं मजरा में हूँ, सऊदी अरब मजरा में, और ये देख सकते हैं बैर का पेड़ है, और ये चाइनीज बैर है। अपने इंडिया में होता है बड़ा बड़ा पेड़ होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं बहुत छोटा पेड़ है। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठ करके तोड़ रहा हूँ, और ये देख सकते हैं आप, ये तोड़ रहा हूँ, कितना बड़ा बड़ा है फ्रेंड, और बहुत मीठा भी है। खा के आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड बहुत मीठा पेड़ है, और दो पेड़ है, यहाँ देख लीजिए कितना फल लगा हुआ है फ्रेंड। दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जिस भाई को ड्राइवरी में आना है तो वीजा मिला है दोस्तों ड्राइवरी का, वो भी बता देते हैं 1500 सैलरी आपको मिलेगा, खाना और आपका छुट्टी जाने का जाने आने का टिकट का कपिल देगा, खाना भी कपिल देगा और आने जाने का टिकट भी कपिल देगा। जिस भाई को आना है तो हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइवरी का वीजा मिला है, जिस भाई को आना है आ सकते हैं, मैंने बता दिया दोस्तों। जी हाँ, जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स मैं हूँ अभी सऊदी अरब मजरा में, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे फ्रेंड्स अक्सर अकेले काम करना होता है मजरा में, और देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं हैंड ग्लव्स लगा के काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे हाथों का क्या हालत हो चुका है। अभी ये देखिए, ये सब काट के अलग कर रहा हूँ, ये जो है घास है, और ये है पता नहीं कौन सा खर जमा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं आप कैसे उखाड़ रहा हूँ। और यहाँ है हैंड ग्लव जो हाथों में लगा के काम करता हूँ फ्रेंड्स, फिर भी ये देख सकते हैं आप जो हमारे हाथों का ये हालत हो गया है, यहाँ देखिए पानी निकल गया, ये चमड़ा हमारे हाथों में इतना मोटा हो गया है, फिर भी ये झलका पड़ चुका है। यहाँ पर डेली ऐसे एक दो झलके पड़ते रहते हैं फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप लोग ये मजरा है, और इस मजरे में मैं अकेले रहता हूँ। गुड मॉर्निंग, देखिए रामू भैया का बकरी आज हम लेकर आए हैं, उनका बकरी आज हम देखा भाई लोग, भैया जी के मन करा था बकरी चराव के, आवा भैया सऊदी अरब में बताओ थे कैसन बकरी चरावल जाता है। तो भैया लोग इनका सपोर्ट करिए, इन्होंने बकरी चराव मन करा था, तो ज्यादा से ज्यादा इनका चैनल हमारे चैनल के नीचे मिल जाएगा दोस्तों, जाके आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जहाँ तक सऊदी की बात है, अगर आप बिना पढ़े लिखे हैं तो आपको बकरी से लेके भेड़ तक चराना पड़ सकता है। और ये दोनों भाई मोटे कुमार ब्लॉग एंड असना ब्लॉग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपको और जानना है सऊदी के बारे में तो इनके चैनल पर जा सकते हैं, या फिर इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, जैसे कि नाम है K-Ramu रामकृष्ण, इनका ओरिजिनल नाम है, जो कि मोटे कुमार ब्लॉग का ओरिजिनल नाम है, और इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इनके इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। और दूसरा जो असना ब्लॉग है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं बताता हूँ, उसका नाम भी बताता हूँ कि ओरिजिनल नाम क्या है। और ये दोनों भाई लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर पढ़े लिखे जाओगे तो किसी शॉपिंग मॉल में कैशियर की नौकरी मिलेगी, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको लेबरगिरी करना पड़ेगा। असना ब्लॉग का ओरिजिनल नाम है अभिषेक पासवान, और इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है अभिषेक P4389। अगर आपको सऊदी के बारे में और कुछ जानना है, मोटे कुमार का वीडियो देखना है, या फिर असना ब्लॉग का वीडियो देखना है, तो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।